सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश में किस तरीके से बातचीत की जाती है इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हमने जितने भी सेंटेंस यूज़ किए हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं शायद ऐसा नहीं कर रहा होता। तो ये कुछ ऐसा कर रहा है जो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर रहा होता। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। कैसे बोलेंगे? इफ़ आई हैड अ चॉइस, इफ़ आई हैड अ चॉइस, यानी कि मेरे पास चॉइस होती, कोई रास्ता होता, आई प्रोबली वुडेंट बी डूइंग दिस, तो शायद मैं ये नहीं कर रहा होता। इफ़ आई हैड अ चॉइस आई प्रोबली वुडेंट बी डूइंग दिस, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर रहा होता। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई हैव नो चॉइस, मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई हैव नो चॉइस, मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई हैव नो चॉइस। अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो, इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट लेट योर एंगर आउट ऑन मी, डोंट लेट योर एंगर आउट ऑन मी, यानी अपना जो गुस्सा है ना मुझ पर मत निकालो। डोंट लेट योर एंगर आउट ऑन मी। मुझे लगता है टॉम आएगा, लेकिन यकीन के साथ नहीं कहना, यकीन के साथ कहना मुश्किल है। इससे पूछा जा रहा है कि क्या टॉम भी पार्टी में आएगा, यहाँ पार्टी चल रही है। कह रहा है कि मुझे लगता है टॉम आएगा, लेकिन यकीन के साथ कहना मुश्किल है। इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक टॉम विल कम, आई थिंक टॉम विल कम। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि अगर ये पास्ट में होता, अगर हम कहते हैं आई थॉट, तो जब हम थॉट बोलते हैं तो हम विल का यूज़ नहीं करते, वुड का करते हैं। अगर पास्ट में होता तो हम कहते हैं आई थॉट टॉम वुड कम, मुझे लगा था टॉम आएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट में कह रहे हैं कि आई थिंक, इसलिए हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे, विल का करेंगे। आई थिंक टॉम विल कम, मुझे लगता है टॉम आएगा। बट इट्स हार्ड टू से फॉर श्योर, लेकिन यकीन के साथ कहना मुश्किल है। बट इट्स हार्ड टू से फॉर श्योर, फॉर श्योर मतलब यकीन के साथ। आई थिंक टॉम विल कम बट इट्स हार्ड टू से फॉर श्योर, मुझे लगता है टॉम आएगा लेकिन यकीन के साथ कहना मुश्किल है। मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा नहीं उठा सकता। अब खर्चा नहीं उठा सकता यानी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खा सकूं, यानी अफोर्ड। जब भी हम कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते, यानी कोई चीज़ है बहुत महंगी हम नहीं खरीद सकते, तो हम क्या कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। अब यहाँ पर ये अफोर्ड नहीं कर सकता इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, तो कह रहे कि आई कांट अफोर्ड टू ईट इन सच एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, आई कांट अफोर्ड टू ईट इन सच एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, यानी इतने महंगे रेस्टोरेंट में मेरे बस की खाना नहीं है, यानी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता। मेरा तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कुछ मन कर रहा है, बोलेंगे आई फील लाइक, जैसे कि मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ही कह रही है कि मेरा तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट। क्या बेहतर नहीं होगा अगर हम मिलकर काम करें? यहाँ पर किससे कह रहा है कि वॉन्ट इट बी बेटर इफ़ यू वर्क टुगेदर, वॉन्ट इट बी बेटर इफ़ यू वर्क टुगेदर, क्या बेहतर नहीं होगा अगर हम मिलकर काम करें। ये फर्स्ट कंडीशनल है, इसलिए यहाँ विल का यूज़ हुआ है, विल यानी वॉन्ट, विल के साथ हमने नोट जोड़ दिया तो विल का क्या बन गया? वॉन्ट। अगर ये सेकंड होता तो हम वुडेंट करते, वुडेंट इट बी बेटर इफ़ यू वर्कड टुगेदर, अगर ये सेकंड होता तो यहाँ पर वर्क की जगह वर्कड आ जाता, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल बोल रहे हैं कि वॉन्ट इट बी बेटर इफ़ यू वर्क टुगेदर, क्या बेहतर नहीं होगा अगर हम मिलकर काम करें। जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ पर इसने किसी को कैदी बना के रख रखा है, बंदी बना के, कह रहा है कि आई लेट यू गो व्हेन माई वर्क इज डन, आई लेट यू गो व्हेन माई वर्क इज डन, यानी जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई लेट यू गो व्हेन माई वर्क इज डन, अगर तुम घर जा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर कोई घर जा रहा है पैदल, तो इसने से देख लिया, जाते हो इसके पास कार है तो कार रोके के रही, अगर तुम घर जा रहे हो तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। आई विल ड्रॉप यू इफ़ यू आर ऑन योर वे होम, आई विल ड्रॉप यू इफ़ यू आर ऑन योर वे होम, यानी अगर तुम घर के रास्ते में हो ना, घर जा रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आई विल ड्रॉप यू इफ़ यू आर ऑन योर वे होम, कम ऑन आई विल ड्रॉप यू होम, आई एम गोइंग दैट वे टू, कह रही कि चलो भी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, मैं उसी रास्ते जा रही हूँ। कम ऑन आई विल ड्रॉप यू होम, आई एम गोइंग दैट वे टू, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। कम ऑन आई विल ड्रॉप यू होम, आई एम गोइंग दैट वे टू, चलो भी मैं घर तुम्हें छोड़ दूंगी, उसी रास्ते जा रही हूँ। अफ्रीका के लिए निकलने से 3 दिन पहले वो मुझसे मिलने आया था,
कोई बंदा है जो अफ्रीका चला गया है, बता रहा है कि अफ्रीका जाने से 3 दिन पहले वो मुझसे मिलना आया था। अगर इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 3 दिन पहले 4 दिन, तो मैं बोलेंगे ही केम टू सी मी। देखो सी का मतलब देखने से भी होता है और मिलने से भी होता है किससे। यहाँ पे कह रहा है कि ही केम टू सी मी, यानी वो मुझे देखने आया था, मुझसे मिलने आया था 3 डेज बिफोर ही लेफ्ट फॉर अफ्रीका। अफ्रीका से 3 दिन पहले निकलने से पहले वो मुझे देखने आया था, मुझसे मिलने आया था। ही केम टू सी मी 3 डेज बिफोर ही लेफ्ट फॉर अफ्रीका। क्या तुम्हें उन दस्तावेज़ों की जांच करने का मौका मिला जो हमने तुम्हें भेजे थे? यहाँ पर इसने से कोई दस्तावेज भेजे थे कि उनमें उनको जांच कर लेना, उनकी उन्हें देख लेना। पूछ रहा है कि डिड यू गेट अ चांस टू लुक ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स वी सेंड यू? डिड यू गेट अ चांस टू लुक ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स वी सेंड यू? क्या तुम्हें उन दस्तावेज़ों की जाँच करने का मौका मिला जो हमने तुम्हें भेजे थे? या यस आई लुकड ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स, कह रहे कि हाँ मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे। यस आई लुकड ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स। मैं 9 बजे ऑफिस पहुंची। अब बता रही है, कह रही है कि मैं ऑफिस के लिए निकली, 9 बजे ऑफिस पहुंची। आई गोट टू द ऑफिस एट 9 o'clock। आई गोट टू द ऑफिस एट 9 o'clock। मैं 9 बजे से 1 बजे तक काम किया, यानी 9 बजे ऑफिस पहुंच के मैंने, आई वर्क फ्रॉम 9 o'clock टू 1 o'clock, यानी 9 बजे से 1 बजे तक काम किया मैंने। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलेंगे आई वर्क फ्रॉम 9 o'clock टू 1 o'clock, 9 बजे से 1 बजे तक मैंने काम किया। और फिर मैं अपने साथियों के साथ कॉफ़ी पीने गई, एंड देन आई वेंट आउट फॉर अ कॉफ़ी विद माई कलीग्स। एंड देन आई वेंट आउट फॉर अ कॉफ़ी विद माई कलीग। फिर मैं अपने कलीग यानी अपने साथियों के साथ, कलीग का मतलब होता है साथी। फिर मैं अपने साथियों के साथ कहाँ गई? कॉफ़ी पीने गई। देन आई वेंट आउट फॉर अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने गया। कैसे बोलेंगे हम? आई वेंट आउट फॉर कॉफ़ी, यहाँ पर देन आई वेंट आउट फॉर कॉफ़ी विद माई कलीग्स। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ यानी अपने साथियों के साथ कॉफ़ी पीने गई। फिर मैंने घर की बस ली, देन आई टुक द बस टू माई होम। अब घर की बस ली किस तरीके से हम बोल रहे हैं? आई टुक द बस टू माई हाउस, देन आई टुक द बस टू माई हाउस। फिर मैंने अपने घर की बस ली। घर पहुँच कर मैंने सबसे पहले अपने जूते उतारे, द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर गेटिंग होम। जब भी इस तरीके से बोलना हो, घर पे पहुँच कर मैंने सबसे पहले ऐसा किया, जैसे कि बता रही है कि द फर्स्ट थिंग आई डिड, जो सबसे पहली चीज़ थी अब मैंने की आफ्टर गेटिंग होम, घर पहुंचने के बाद, वॉज टेकिंग माई शूज ऑफ, अपने जूते उतारना, यानी घर पहुंच के सबसे पहले मैंने अपने जूते उतारे। द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर गेटिंग होम वॉज टेकिंग माई शूज ऑफ। उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में गई। आफ्टर दैट आई वेंट स्ट्रेट, यहाँ पर कह रही है कि मैं सीधा, अब इसके लिए हम स्ट्रेट ही बोलेंगे, सीधा। देन आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आई वेंट स्ट्रेट टू माई रूम, उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, ये हम रिपीट कर रहे हैं, हम पहले भी इन सेंटेंस को देख चुके हैं। ये जो वीडियो है ना, इसमें सारे सेंटेंस हमने रिपीट किए हैं, अपनी 1 साल की पुरानी जो वीडियोज हैं, हमें 1 साल पे, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो कई साल से डाल रहे हैं ना, जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम सेंटेंस को रिपीट करते हैं ताकि आप भूलो ना। तो जैसे कि यहाँ पर ये, आफ्टर दैट आई वेंट स्ट्रेट टू माई रूम, उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में गई। फिर मैंने संगीत सुना और थोड़ा डांस किया, एंड देन आई लिसन टू म्यूजिक एंड डांस्ड अ बिट। देन आई लिसन टू म्यूजिक एंड डांस्ड अ बिट। फिर मैंने संगीत सुना, लिसन के बाद टू का यूज होगा यहाँ पर। देन आई लिसन टू म्यूजिक एंड डांस्ड अ बिट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगेगा? जैसे कि मैंने बताया है, ये हमने रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से, लेकिन दो दो तीन तीन सेंटेंस लिए हैं पुरानी वीडियो से। तो आप उन पुरानी वीडियोस को देखोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम आपको 1.5 साल पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी इस तरह के सेंटेंस देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।